हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेलर सीरीज के बारे में। ये जो टेलर सीरीज है, इसके आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही इक्वेशन याद रखने हैं। ये दो इक्वेशन से ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले टेलर सीरीज का यूज समझ लेते हैं, ये क्या काम में आती है। तो टेलर सीरीज जो है वो कोई भी दिए गए फंक्शन को एक्सपांड करने के लिए काम में आती है। जैसे कि अगर फंक्शन आपको देखे रखा है f ऑफ x, कुछ भी हो सकता है, साइन x हो सकता है, टेन x हो सकता है, log साइन x, कुछ भी, 3x2+, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। उसे अगर आपको एक्सपांड करना है अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज, तब उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखना जरूरी है अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो वो इक्वेशन मैं यहां पे लिख लेता हूं। इसका एक्सपांशन आएगा एफ ऑफ ए प्लस, ये जो एफ ऑफ ए आया उसका आप डिफ्रेंशिएशन करना, एफ डैश, यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए प्लस। अब दूसरे में क्या करोगे, दो बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, एफ डबल डैश ए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का अब स्क्वायर कर देना, यहां पे 2 है तो। और नेक्स्ट लिखते हैं एफ ट्रिपल डैश, तीसरी बार हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, डिवाइडेड बाय तीसरी बार किया तो 3 फैक्टोरियल लिख लिया, और यहां पे एक्स माइनस ए तीसरी बार है तो क्यूब प्लस। ऐसे करके इसका एक्सपांशन आगे बढ़ता रहेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में हम दूसरा एक इक्वेशन लेंगे और उसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, तो टेलर सीरीज आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो लिखा के रखा है यहां पे एक्सपांड 3x³ + 8x² + x - 2 इन पावर x - 3 यूजिंग टेलर सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो टेलर सीरीज से करना है, तो ये रही टेलर सीरीज, तो ये लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, बाद में यहां पे a की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो a क्या होगा, तो यहां पे लिख के रखा है x - 3 देके रखा है पावर में। अच्छा, यहां पे टेलर सीरीज में क्या लिखते हैं हम, x माइनस ए, अगर इसको हम कंपेयर कराए x - a के साथ, तो क्या हो जाएगा, x की जगह x और ये a की जगह 3, यानी a की वैल्यू देख के रखी है हमें 3। अच्छा, तो ये a की वैल्यू हम ये सीरीज में रख देते हैं, ये जो एक्सपांशन है उसमें, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a, कितना लिखा है 3 प्लस f डैश ऑफ 3 ये वाला, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल x माइनस a की जगह 3 प्लस f डबल डैश a की जगह 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस a की जगह 3² प्लस f ट्रिपल डैश a की जगह 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और x माइनस a की जगह 3³ प्लस, ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, अच्छा, अब हमें क्या चीज ढूंढनी पड़ेगी, तो यहां पे ये f ऑफ 3 ढूंढना है, ये f डैश 3 ढूंढना है, f डबल डैश 3 ढूंढना है, f ट्रिपल डैश 3 ढूंढना है, एंड सो ऑन। आप पहले 3 या 4 टर्म ढूंढ सकते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं क्या f ऑफ x देके रखा है, क्या है f ऑफ x, 3x³ + 8x² + x - 2, इसका एक्सपांशन करना है जो कुछ इस तरीके से होगा, और इसमें ये सारी वैल्यूज अननोन है तो आपको ये फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे फाइंड करें, तो यहां पे लिख लेते हैं f ऑफ x है, हमको क्या चाहिए, f ऑफ 3 चाहिए, तो यहां पे f ऑफ 3 लिख दो। ठीक है, f ऑफ 3 यानी क्या, जहां भी x है वहां पे 3 लिखना पड़ेगा, तो यहां पे लिख लेते हैं 3, ये x यानी x की जगह क्या लिखना पड़ेगा 3, सो ये 3 का क्यूब हो गया प्लस 8, ये x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया प्लस x यानी 3 - 2, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 81 + 72 + 3 - 2। ठीक है, ये 1 हो जाएगा 82 यानी 155 आ जाएगा, यानी f ऑफ 3 हमें मिल चुका है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं f ऑफ 3 का वैल्यू कितना आया, 154। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्या चाहिए हमें, ये मिल चुका है, f डैश 3 चाहिए, तो यहां पे करेंगे f डैश x करेंगे पहले तो यहां पे। ठीक है, अच्छा, f डैश x यानी क्या, नीचे लिख लेता हूं थोड़ा, f डैश x यानी क्या, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, डैश यानी डिफरेंशिएशन, तो कैसे करें इसका डिफरेंशिएशन x³ का, तो एक इक्वेशन हमें पता है कौन सा,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या करते थे, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन करते थे, तो वही चीज करेंगे। एन कौन सा है, थ्री है, तो थ्री आगे आ जाएगा, सो थ्री थ्री जा नाइन एक्स रेस टू एन माइनस वन, थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा स्क्वायर, नाइन एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से यहां पे भी करेंगे, ये कितना हो जाएगा, टू एट सिक्सटीन एक्स रेस टू एन माइनस वन, यानी एक्स वन ही हो जाएगा, प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा वन होगा, और ये कांस्टेंट है तो उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एफ डैश थ्री चाहिए, तो हमें एफ डैश थ्री चाहिए, ये एफ डैश एक्स मिल चुका, तब एक्स की जगह थ्री रख दो तो एफ डैश थ्री मिल जाएगा, तो रख देते हैं। ये हो गया नाइन, और एक्स स्क्वायर है तो थ्री का स्क्वायर आ गया, प्लस सिक्सटीन, ये थ्री प्लस वन, सॉल्व करते हैं, ये वापस से एटी वन हो जाएगा, प्लस फोर्टी एट प्लस वन। ठीक है, तो इसका अगर करते हैं तो टू ये थ्री, सो ये जीरो थ्री, वन थ्री जीरो आ जाएगा, सो एफ डैश थ्री का वैल्यू भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा चाहिए हमें, ये भी हो गया, एफ डबल डैश थ्री चाहिए, तो एफ डबल डैश एक्स, यानी इसका वापस से हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वही मेथड यूज करेंगे, तो ये टू आगे आ जाएगा, नाइन टू जा एटीन, और एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो एक्स हो जाएगा, प्लस 16 एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ये 0 पूरा। ठीक, अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें तो एफ डबल डैश 3 चाहिए, ये एफ डबल डैश एक्स है तो एक्स की जगह 3 रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा 18 इंटू 3 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारा 18 3 जा 54 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 07, तो एफ डैश डबल डैश 3 का वैल्यू भी हमें मिल चुका है। ठीक, अच्छा ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एफ ट्रिपल डैश पे जाएंगे, तो एफ ट्रिपल डैश यानी क्या, इसका वापस से डिफरेंशिएशन, इसका वापस से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये 18 तो एज इट इज एक्स का वन हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का जीरो, सो एज इट इज हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एफ ट्रिपल डैश थ्री, तो कितना हो जाएगा, एक्स की जगह क्या रखना है, थ्री रखना है, तो एक्स की जगह थ्री रखोगे तो ये हो गया, एक्स की जगह थ्री रखने पर आंसर कितना 18 है, तो 18 लिख लो। ठीक है, यानी हमें सारी वैल्यू ये भी मिल चुकी है। ठीक, बस ये सारी वैल्यू ये इक्वेशन में डाल देते हैं, तो आंसर कैसे लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, तो ये है 3x³ प्लस 8x² प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू, अब एफ ऑफ 3 का वैल्यू ये रहा, तो लिख लो 154। ठीक है, प्लस एफ डैश 3 का वैल्यू ये रहा, लिख लो 130। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया x माइनस 3। ठीक है, प्लस f डबल डैश का वैल्यू कितना आया, आया 7070 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 3, प्लस f ट्रिपल डैश का वैल्यू क्या आया, f ट्रिपल डैश का आया 18 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2। ठीक है, फिर आया x माइनस 3 का, यहां पे स्क्वायर आएगा 3 का क्यूब, सो ऑन, तो फाइनली आंसर लिखने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3x³ प्लस 8x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 154 प्लस 130 x माइनस 3 प्लस, ये किससे जाएगा, 35 से जाएगा, तो 35 x माइनस 3 स्क्वायर प्लस ये किससे जाएगा, 2 9 3 3, तो ये 3x माइनस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन, तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पूरा आंसर। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक्सपांड लॉग ऑफ साइन एक्स इन पावर एक्स माइनस टू यूजिंग टेलर सीरीज, इसका भी एक्सपांशन करना है, तो वापस से क्या करेंगे, वापस से यही इक्वेशन का यूज करेंगे, ये टेलर सीरीज के एक्सपांशन का इक्वेशन है, कोई भी फंक्शन देके रखा है उसे एक्सपांड करते हैं, तो यहां पे ये फंक्शन हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो कैसे करें, तो सबसे पहले ए की वैल्यू चाहिएगी, तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर लिख के रखा है एक्स माइनस टू पावर है, और यहां पर क्या लिखते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, अगर इसे हम एक्स माइनस ए से कंपेयर कराए तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू, यानी a का वैल्यू देके रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, तो f ऑफ x वो क्या हो गया हमारा, log sin x, ठीक है, which is equals to f ऑफ a कितना है, 2 है, प्लस डिफरेंशिएशन 2 1 फैक्टोरियल x माइनस a की जगह 2 प्लस f डबल डैश 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस a की जगह 2 स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश a की जगह 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कर दो। ठीक है, और ये हो गया हमारा x माइनस ए की जगह 2 क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, अच्छा
अब क्या करें, अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ये एक तो f ऑफ 2 की चाहिए, f डैश 2 की चाहिए, f डबल डैश 2 की चाहिए, f ट्रिपल डैश 2 की चाहिए। तो ये फाइन करते हैं, जो भी वैल्यू आएगी इसमें रख देंगे हम। तो कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले तो वापस से लिखेंगे f ऑफ x क्या है हमारा, log साइन x, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए f ऑफ 2, f ऑफ 2 चाहिए हमें, 2 यानी यहां पे 2 रखोगे तो यहां x की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो यहां पे log साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ये x की जगह 2। अब इसका आंसर अगर आप फाइंड करते हो कैलकुलेटर पे, पहले साइन 2 का आंसर फाइंड करना, जो आंसर आएगा उसे log दे देना, तो यहां पे मैंने पहले से ही लिख के रखा है आंसर, तो ये आपका आ जाएगा -1.457। तो f ऑफ 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब क्या चाहिए, f डैश 2, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, f डैश x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, ये पूरा क्या है हमारा x है, तो log x का 1 अपॉन x, x ये है, तो हो गया sin x, ठीक है। अब ये x है तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी यहां पे बचा sin, sin का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x, शायद आपको समझ में आ गया होगा। वापस एक बार क्या है, अगर ये होता log cos x होता, log cos x होता तो क्या करते, 1 अपॉन cos x कर देते, cos x का डिफरेंशिएशन करते, माइनस साइन x ऊपर आता, ठीक। अच्छा ये पता होगा आपको शायद। अब क्या करें, डिफरेंशिएशन तो हो गया, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए f डैश 2, f डैश 2, f डैश 2 में क्या करेंगे, यहां पे f डैश 2 x की जगह 2 कर दो, तो ऊपर क्या है cos x की जगह 2, नीचे क्या है साइन x की जगह 2। वापस से कैलकुलेटर पे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आंसर आपका कुछ यहां पे लिख लेता हूं, साइड पे जगह नहीं है, सो ये आंसर आ जाएगा f डैश 2 का आपका 28.63, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब क्या चाहिए, f डबल डैश 2, तो f डबल डैश x करना पड़ेगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ी और अच्छे से मैं लिख लेता हूं, ये cos x ऊपर है तो मैं यहां पे ही लिख देता हूं cos x। अब ये क्या हो गया, u by v का डिफरेंशिएशन, u by v का डिफरेंशिएशन क्या था अगर याद हो तो, सपोज y इज इक्वल्स टू u by v देके रखा है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, d by dx ऑफ y इज इक्वल्स टू, पहले v को एज इट इज रख दो, u का कर दो डिफरेंशिएशन, माइनस u को एज इट इज रखो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर कर दो, ये इक्वेशन आप पढ़ के आए हो, ठीक है, u by v का वही यहां पे अप्लाई करेंगे। सपोज करते हैं इसको v बोल देते हैं, इसको u बोल देते हैं, तो सबसे पहले क्या करें, v एज इट इज यानी sin x एज इट इज रख दिया मैंने, अब डिफरेंशिएशन किसका आएगा, u का आएगा, cos का क्या आता है डिफरेंशिएशन, माइनस sin x, फिर कौन सा साइन है, माइनस। अब u को एज इट इज रखे, वहां पे देखना u को एज इट इज यानी ये हो गया cos x, और v का डिफरेंशिएशन sin x का क्या हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय क्या है, v स्क्वायर, v हमारा ये sin x है तो sin स्क्वायर x, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, f डबल डैश x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा अब यही टर्म को माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये f डबल डैश x का आंसर क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए f डबल डैश 2, तो यहां पे कर देते हैं f डबल डैश 2, x की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे, तो विच इज इक्वल टू ये माइनस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर क्या 2, ठीक। अच्छा अब इसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटर पे f डैश डबल 2 का, तो वो भी मैंने लिख के रखा है, माइनस 821.03 आएगा आपका। सबसे पहले क्या करोगे, कैलकुलेटर पे साइन 2 का वैल्यू फाइंड करोगे, उसको मल्टीप्लाई वही आंसर से करोगे, तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर 2, डायरेक्टली आप नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। बस इतने तक रखते हैं, ठीक है, और जगह है नहीं बोर्ड पे, तो ये फाइनल यहां तक ही रखते हैं। अब बस ये जो जितनी भी वैल्यू है, ये और ये वाली, ये सारे वैल्यू ये इक्वेशन में रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं log क्या है साइन एक्स, ये एफ एक्स का वैल्यू आ गया, ये एफ एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू ये रहा, विच इज इक्वल टू -1.457, ठीक है। फिर क्या है, फिर प्लस है, तो प्लस एफ डैश टू, एफ डैश टू ये रहा,
28.63 डिवाइडेड बाय क्या है 1 फैक्टोरियल, तो नहीं लिखोगे तो भी काम बन जाएगा, फिर x माइनस 2, फिर प्लस, अब क्या है f डबल डैश टू ये रहा माइनस 821.03 डिवाइडेड बाय कितना है 2 फैक्टोरियल, सो 2 इंटू 1 आ गया इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये जो आपका आंसर आया ये आंसर ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे कि जो हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स देके रखा है उसका एस पर टेलर सीरीज ये एक्सपांशन हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे दूसरे इक्वेशन के बेस पे। अब तक हमने ये जो इक्वेशन है उसके बेस पे से 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल ठीक है। अच्छा अब हम दूसरा इक्वेशन देखेंगे, वो दूसरे इक्वेशन में क्या होगा वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि जहां भी x माइनस a दिख रहा है वहां पे h कर लो ठीक है। वापस एक बार, जहां भी x माइनस a दिख रहा है ओरिजिनल इक्वेशन में वहां पे h कर दो। तो ट्राई करते हैं वो इक्वेशन लिखने की, x माइनस a यहां पे है तो यहां पे मैं क्या लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं h ठीक है। उसी तरीके से x माइनस a यहां पे है तो यहां पे h लिख लूंगा, यानी h का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे लिख लेते हैं क्या h का स्क्वायर। उसी तरीके से x माइनस a यहां पे है तो h का क्यूब, तो ये आ जाएगा h का क्यूब ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, x माइनस a की जगह क्या कर दो h कर दो, यहां पे h आ जाएगा h स्क्वायर और h क्यूब आ जाएगा और सो ऑन ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन आएगा कि सर जो भी हमें न्यूमेरिकल देके रखा है वो न्यूमेरिकल हम कौन से इक्वेशन से सॉल्व करें, जो अभी पहले देखा था x माइनस a वाला या फिर ये h वाला। तो उसका सिंपल आंसर है कि जो हमने पहले इक्वेशन देखा था x माइनस a वाला, वो इक्वेशन आप तभी लगाना जब कोई फंक्शन देके रखा हो इन फॉर्म ऑफ x या इन फॉर्म ऑफ y, जैसे कि कुछ देके रखा है कि एक्सपॉन्ड 3x³ + 2y + 3, तब ओरिजिनल x माइनस a वाला लगा देना। अगर ऐसा बोलता है कि एक्सपॉन्ड log साइन x या साइन x बाई कॉस x, यानी कोई फंक्शन अगर देके रखा हो तब x माइनस a वाला आप इक्वेशन लगा देना। और अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको देके रखी है ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू जैसे कि आपको कोई देके रखा है √45.91 ठीक है, या फिर क्यूब रूट ऑफ 45.91, कुछ भी एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको देके रखी है तब आपको यही इक्वेशन का यूज करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कब कौन सा इक्वेशन लगाओगे। सो वापस एक बार, कौन सा कि x माइनस a पहला इक्वेशन कब लगाओगे, जब कोई फंक्शन देके रखा हो, और ये वाला h वाला इक्वेशन कब लगाओगे, जब कोई एग्जैक्ट वैल्यू देके रखी हो ठीक है, जैसे कि ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे लिख के रखी है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके बेस पे और पिक्चर अच्छे से क्लियर होगा। तो यहां पे क्या लिखा है, यूजिंग टेलर सीरीज फाइंड द वैल्यू ऑफ √36.12। अब ये फिक्स्ड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, ये कोई फंक्शन नहीं है साइन एक्स 3x³ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है इसलिए ये इक्वेशन यूज कर लेंगे ठीक। अच्छा तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करें, तो सबसे पहले आपको पता लग गया फिक्स्ड वैल्यू है तो ये वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको टेलर सीरीज का। हाँ तो लिखे, तो यहां पे f ऑफ x क्या देके रखा है, ये √36.12 ठीक है, ये f ऑफ x देके रखा है आपको ठीक है। अब which is equals to f ऑफ a और h, ये दोनों का वैल्यू यहां पे तो कुछ देके नहीं रखा, तो दूसरी चीज याद रखना, अगर आपको फिक्स्ड वैल्यू देके रखी है रूट में कुछ भी 49.11, तो हमेशा आगे की ये जो पॉइंट है डेसिमल की पहली जो वैल्यू है पॉइंट के पहले की उसे आप a बोल देना, और डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है उसे आप b बोल देना ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं 23.94, तो इसमें a क्या हो गया डेसिमल के पहले का, a इज इक्वल टू 23, और ये h क्या हो गया, h हो गया 0.94 ठीक है। एक और ले लेते हैं जैसे कि 54.71 ठीक है, इसमें a कौन सा हो गया, a हो गया आगे का 54, और h कौन सा हो गया डेसिमल के बाद का 0.71। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ये चीज याद रखना, ए कौन सा लोगे आगे वाला, एच कौन सा लोगे पॉइंट में पीछे वाला ठीक है। अच्छा तो ए की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, यहां पे ए की वैल्यू तो वो लिख लेते हैं, ए की वैल्यू हो जाएगी 36 और एच की वैल्यू हो जाएगी 0.12 ठीक है। अच्छा अब इक्वेशन में रखते हैं, सो एफ ऑफ ए कितना है यहां पे, वो रहा 36 प्लस एफ डैश ऑफ ए 36, एच कितना है यहां पे लिखा है, ये है 0.12 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस f डबल डैश
ए कितना है 36, फिर एच स्क्वायर यानी 0.12 का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, प्लस एफ ट्रिपल डैश ए कितना 36, एच कितना 0.12 का क्यूब, डिवाइड बाय 3 इनटू 2 इनटू 1, ठीक है, प्लस ऑन ये आगे चलता जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या ढूंढना है, वापस से हमें तो ये एफ ऑफ 36, एफ डैश 36, एफ डबल डैश ऑफ 36 और एफ ट्रिपल डैश 36, इतनी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करें, वापस से वही चीज, क्या कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, रूट में कुछ देके रखा है तो रूट एक्स बोल देंगे, ठीक है, रूट में क्यूब रूट में दिया था तो क्यूब रूट में एक्स बोल देते, एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, रूट में एक्स है, 36.12 है, आपकी बात सही है, लेकिन डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, एफ डैश एफ डबल डैश बाद में वैल्यू रख देंगे, पहले क्या बोल देंगे एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट में कुछ है, एक्स का वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सर चाहिए एफ ऑफ 36 चाहिए, f ऑफ 36 चाहिए, f ऑफ 36 यानी क्या, यहां पे x की जगह 36 रख दो, तो x की जगह अगर 36 रखते हो तो कितना आ जाएगा इसका, यहां पे लिख लो f ऑफ 36 इज इक्वल टू 66, बराबर, तो 6 आंसर आ गया, f ऑफ 36 मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं f डैश की ओर, तो यहां पे भी f डैश x करना पड़ेगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो ये क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स यानी 1/2, ठीक है, 1/2 का डिफरेंशिएशन x रेस टू 1/2 का कैसे करते हो, n x रेस टू n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x रेस टू, ये कितना माइनस 1/2 हो जाएगा, सो 1/2 ये x का पावर माइनस 1/2 है, उसे अगर नीचे लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो x रेस टू प्लस 1/2, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 x रेस टू 1/2 यानी क्या रूट x, ठीक है। तो x is to 1/2 का डिफरेंशिएशन देख लेना अच्छे से कैसे किया है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। अच्छा, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए f डैश 36 का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो f डैश कैसे ढूंढे, 36, तो ये f डैश x है, x की जगह 36 रख दो, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 36। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, f यहां पे लिख लेता हूं 1 डिवाइडेड बाय ये कितना 2 इंटू 6 1/12, किसका आंसर आ गया f डैश 36 का आंसर आ गया 1/26/12, ठीक है। अब ये वाला ढूंढ लेते हैं, कौन सा f डबल डैश x, ठीक है, f डबल डैश x कैसे करेंगे, अब f डबल डैश x के लिए ये इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी जगह यहां पे करते हैं, तो कैसे करें इसका डिफरेंशिएशन f डबल डैश x, तो यहां पे मैं लिख लूं 1/2 रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा x is to 1/2, ये x is to 1/2 ऊपर जाएगा, तो मैं लिख लूंगा 1/2 x is to माइनस 1/2, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1/2, फिर क्या करते थे x n x रेस टू n माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/4 x रेस टू, ये कितना हो जाएगा 2 1 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3/2, ठीक है, सो माइनस 1/4 x रेस टू माइनस 1/4 हो गया, अब ये x को नीचे ले जाऊं तो पावर प्लस हो जाएगा, तो x रेस टू 3/2, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया, अच्छे से देख लेना। अच्छा, तो यहां पे लिख लेते हैं क्या माइनस 1/4 x रेस टू 3/2, ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें तो f डबल डैश 36 चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो क्या करें इसमें जो x है उसकी जगह 36 रख लो, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स कितना है 36 होल रेस टू 3/2, ठीक है। अगर आप फाइंड करते हो कैलकुलेटर पे f डैश 36 तो उसका वैल्यू भी मैंने लिख के यहां पे रखा है, उसका आ जाएगा आपका 0.00115, तो ये हो गया f डबल डैश 36। अच्छा, अब ये वाला ढूंढ लेते हैं f ट्रिपल डैश वाला, f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू, अब क्या करना पड़ेगा इसका वापस से डिफरेंशिएशन, तो वापस से साफ कर लेता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी ये हो गया हमारा माइनस 1/4, ऊपर ले लू इसको, इसको ऊपर ले लू आसानी के लिए, तो क्या हो जाएगा x रेस टू माइनस 3/2, तो यहां पे आ जाएगा x रेस टू माइनस 3/2, कैसे करेंगे माइनस 1/4, तो एज इट इज n x रेस टू n माइनस 1, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3 4 2 8
और ये हो जाएगा हमारा x is 2, 2 under 2 minus 2 minus 3 minus 5 by 2, x को नीचे ले आए, so 3 by 8, x is 2 plus हो जाएगा 5 by 2, तो ये इसका differentiation हो गया, तो ये लिख लेते हैं, plus में है, so 3 divided by 8, x is 2 5 by 2, अच्छा, इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, f triple dash 36 की value, ये आखरी value मिल जाएगी, 1 divided by, sorry, 1 नहीं है यहाँ पे, इस बार है 3 by 8, 3 by 8, डिवाइडेड बाय x कितना लेना है 36 रेस टू कितना 5 बाय 2 अच्छा अगर ये वैल्यू फाइंड करते हो f ट्रिपल डैश 36 की कैलकुलेटर पे तो ये कुछ आपकी आ जाएगी 0.12344 के आसपास ठीक है तो ये हो गया हमारा आखिरी आंसर अब ये सारे जो आंसर है ये पूरे ये कहां रखेंगे हम ओरिजिनल इक्वेशन में तो यहां पर रख दो 36.12 is equals to f of 36 ये रहा 6 plus f dash 36 ये रहा 1 upon 12 और multiply में क्या है 0.12 plus f double dash 36 0.1234 नहीं ये वाला नहीं f कौन सा है हमारा 0.12 खत्म f double dash कहां गया ये रहा 0.0115 divided by 2 factorial 2 multiply with 0.12 square ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं फिर plus ये क्या है f triple dash तो f triple dash का answer ये वाला answer minus में आएगा तो यहाँ पे ये minus लगा देते हैं यहाँ पे और ये answer minus में आने वाला है ठीक है plus f triple dash कितना है 0.1234482 divided by 3 factorial 3 into 2 into 1 multiply with 0.12 cube plus so on अच्छा अब ये आप calculator पे अगर solve करते हो तो 36.12 इसका answer करीब करीब 6.454 के आसपास कुछ इसका answer आ जाएगा 6.54 के आसपास ठीक है अच्छा तो root में नहीं आएगा sorry ये ऐसे ही आएगा 6.54 तो ये हो गया हमारा answer अब यही आंसर रूट 36.12 अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करोगे तो कुछ प्लस और माइनस 0.5 में आपको इसका आंसर इसके आसपास मिल जाएगा तो आप कैलकुलेटर से भी इसे सॉल्व कर सकते हो लेकिन मेथड करना जरूरी है ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉस चेक आप कर सकते हो आंसर हमारा सही है या नहीं प्लस और माइनस 0.5 डेसिमल तक आंसर चल जाएगा तो ये हो गई हमारी टेलर सीरीज इसमें और भी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मैक्लॉरिन सीरीज के साथ तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड थैंक यू वेरी मच